वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वैसे ऑलमोस्ट आफ्टरनून हो चुकी है पर अभी 12 बजे। हाँ जी, आप लोगों के साथ आज मैं वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मैंने सॉल्ट फ्री डे में किया है। वैसे मैं सॉल्ट फ्री काफ़ी टाइम से मैंने छोड़ा हुआ है क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हैवी वेट लॉस हुआ था, वो सॉल्ट फ्री डे की वजह से हुआ है। आपने सॉल्ट फ्री डे को अगर मेरे हिसाब से किया, आप यकीन करोगे आपका 1 kg तो होगा ही होगा, मे बी किसी किसी बॉडी पे उससे ज़्यादा फर्क पड़े। ये आपके ऊपर है, आपको ये सोचना है कि आज मैंने अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। जैसे हम अपने घर को जब ज़्यादा मतलब वो हो जाता है, मैसी हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब सफाई करते हैं तो कितना फ्रेश फ्रेश फील होता है, जिस दिन बहुत डीप क्लीन होती है। अच्छी हैवी डीप क्लीनिंग में के बाद देखना घर से पॉजिटिविटी सी आती है। ऐसे ही हमारी बॉडी है, ये भी वो घर है जो भगवान ने हमें दिए है, और इस घर को इस बॉडी को हमें अच्छी तरह रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए फ्रेंड्स, सॉल्ट फ्री डे में थोड़ी सी वीकनेस फील होगी, स्टार्टिंग में होती है मैं मानती हूँ, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। आपसे अगर नहीं हो पा रहा तो मत कीजिए, अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा प्रेशराइज मत कीजिए, बॉडी से प्यार कीजिए, उसे प्यार प्यार से करवाइए। अगर बॉडी अलाउ नहीं करती तो मत करो। आपने सॉल्ट फ्री के अलावा भी अगर आपने गोल्डन रूल्स फॉलो किए, मैंने स्वीकार सर के गोल्डन रूल फॉलो किए हैं, मैंने उन्हीं से सीखा है। 32 times खाने को अच्छी तरह च्यू करो, इतना अच्छी तरह च्यू करो कि जो हमारा खाना है या सैलेड है या फ्रूट्स है वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो जाए, और जब वो बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है फिर उसे इंसर्ट कर लें। और आप यकीन करोगे कि हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैं भी सोचती थी, मुझे भी लगता था कि ऐसा थोड़ी हो सकता है अगर मैं ट्राई ना करती, क्योंकि मुझे ना वो आ चुका था, मेरे अंदर वो जुनून आ चुका था, वो मोटिवेशन मैंने अपने आप को दे दिया था कि मुझे पतला होना है। मैंने डाइटिशियन को भी फॉलो किया, मैंने 10,000 भी खर्च किए डाइट प्लान पे, नहीं कर पाई। तो अचानक मैंने स्वीकार सर की एक दिन वीडियो देखी तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, जहाँ पे मैं एक्सरसाइज तो कर ही नहीं सकती, वॉक में कर रही हूँ, लेकिन चलो मैं भी ट्राई करती हूँ कि ये होता है कि नहीं होता। सीरियसली इट वर्क्स। 2-3 दिन में ही मैंने देखा कि मेरी जो खाने की आदतें थी, मतलब हर टाइम मैं कभी भी कहीं पे भी हूँ कि मुझे लगता था मैं कुछ स्नैक्स ले लूँ, मैं कुछ खा लूँ, वो क्रेविंग ख़त्म होगी मेरी धीरे धीरे। क्योंकि आप तभी खाते हो जब आपको लगता है कि आपको भूख लगी है, और आप यकीन करो कि 30 times च्यू करके खाना खाने से आप इतना अच्छा फील करते हो, इतना भरा भरा फील करते हो, बहुत भरा भरा फील करते हो आपको जरा सी भी ये नहीं होती कि मुझे भूख लगी है। हाँ, मुझे जो पर्सनली हुआ था, मुझे प्यास बहुत लगने लगी थी, अदरवाइज़ मैं पूरा दिन में 2-3 glasses भी पानी पीती थी। अब मैं वही हूँ जो दिन में 10-12 glasses तो पीती हूँ। ये छोटी छोटी आदतें हैं, आप लोग भी कीजिए। मैंने आपसे मॉर्निंग में शेयर किया है कि मैंने हल्दी वाला पानी पिया, आप देख लीजिए अगर आपको सूट करता है। मुझे सूट किया है, हर बॉडी अलग होती है, इसलिए कोई भी चीज़ आजमाने से पहले ये देखिए कि ये मुझे सूट करेगी कि नहीं करेगी। 1-2 दिन ट्राई करके देखिए, अगर आपको लगता है कि ये मुझे सूट कर रहा है। वैसे कोई भी नई आदत लगने के लिए ना हमें टाइम लगता है, आपको 32 times करने के लिए भी आदत लगानी पड़ेगी, मोटिवेशनल वीडियोस देखनी पड़ेगी। मैं सच बताऊँ, मैं अगर अपनी वेट लॉस जर्नी अगर ख़त्म कर पाई हूँ स्वीकार सर की वजह से, उनके गोल्डन रूल की वजह से। उनके गोल्डन रूल हैं 32 times खाने को अच्छी तरह च्यू करो, पानी सिप सिप करके पियो, सॉल्ट फ्री डे करो, मतलब अपने खाने को इंजॉय करो,
लाइफ को इंजॉय करो। ग्रीन टी होती है उनकी बेस्ट ग्रीन टी है, सीरियसली बहुत बेस्ट ग्रीन टी है। मुझे ग्रीन टी सूट नहीं करती, लेकिन जिन लोगों को सूट करती है उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो आप लोग भी कीजिए, ट्राई कीजिए। अगर आप कहीं और से ग्रीन टी सोचते हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। मैं कोई रेकमेंड नहीं कर रही, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसलिए अपने अंदर मोटिवेशन लेके आओ, अपने अंदर वो एक स्पार्क होता है ना, वो लेके आओ, देखना फिर मैजिक होगा। खाने को चू करना है, मॉर्निंग में हल्दी वाला पानी पिया मैंने, उसके बाद मैंने डिटॉक्स वाटर तैयार किया था, लेकिन मैं वो डिटॉक्स वाटर अब पीऊँगी। मैं पहले नहीं पिया था, बना के कुछ टाइम के लिए रख देना चाहिए। डिटॉक्स वाटर तैयार ही तभी होता है जब हम उसे कुछ टाइम के लिए रख देते हैं। तो मेरा जो क्यूकम्बर का, इलायची का, दालचीनी का, अदरक आपने डालनी है नहीं डालनी आपके ऊपर है, और उस पानी को छान के आपने सिप सिप करके पीना है, बिल्कुल धीरे धीरे। तो मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में हूँ, मेरे बेटे की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, रात उसने ऐसी चॉकलेट खाई। प्लीज़ मैं सबको सजेस्ट करूँगी, बाहर की चीज़ें इस टाइम अवॉइड कीजिए। रात उसने 500 सब्सक्राइबर होने की खुशी में चॉकलेट खा तो ली, मॉर्निंग से वो वॉमिटिंग कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी उसे डॉक्टर पे ले जाने से पहले आप लोगों के साथ मैं रूटीन शेयर करने के लिए वीडियो बना के जा रही हूँ, ताकि आप लोग उसको देख के सोच सको कि आपने सोल्ट फ्री पे क्या करना है। मैं जैसे भी मुझे टाइम लगेगा मैं आगे भी अपडेट आपको देती रहूँगी। मैं बेटे को लेके डॉक्टर के पास जा रही हूँ, और आप प्लीज़ सोल्ट फ्री डे करिए, बीपी लो हो तो मत करिए, और लाइफ इंजॉय कीजिए। हैव ए नाइस डे। बाकी का रूटीन आज मैं आगे की वीडियो में डालूँगी। आज हमारा फुल डे सोल्ट फ्री के ऊपर ही वीडियोज़ होंगी, और आगे भी आपको जिस जिस चीज़ पे वीडियो चाहिए प्लीज़ बताइए। हैव ए नाइस डे।